वेलकम टू स्पेशली कानपुर, मैं शिवम गुप्ता। और जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे सर वीआईटी के बारे में कुछ बताइए कि वीआईटी की पढ़ाई कैसे की जाए और कैसे वहां पर बहुत सारी चीजें देखी जाए, ठीक है। तो हम लोग यहां पर वीआईटी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका पेपर 1 तारीख को है, मतलब आपके पास केवल 1 दिन का समय है, ठीक है। 1 दिन का समय मतलब केवल कल का समय है, आज 30 है, कल 31 है और फिर 1 है, ठीक है। तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, तो यहाँ पर आप समझें कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे क्या करना है, क्योंकि 1 दिन में पढ़ाई तो हो नहीं सकती है। लेकिन जो चीजें आपको याद रखनी है वो कौन सी चीजें याद रखनी है, ठीक है, बहुत ही जरूरी चीजें, और आप अच्छे से एग्जाम में क्रैक कर पाएंगे, डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले हम लोग वीआईटी की बात करें तो वीआईटी का पूरा नाम जो है वो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कि आपका वेल्लोर में है और काफी अच्छा कॉलेज भी है, वहां पर प्लेसमेंट भी अच्छा है और 2 साल में एमसीए होता है। सबसे अच्छी बात यह है हर जगह पे एमसीए 3 साल का है, लेकिन आपका वेल्लोर जो है वहां पर एमसीए 2 साल का होता है, ठीक है। 2 साल में आपका एमसीए कम्प्लीट हो जाता है तो आप 2 साल के बाद में जॉब के लिए हो जाते हैं कैपेबल और आपकी जॉब वहां पर लग भी जाती है, ठीक है। कोई भी जॉब का इशू नहीं है, अच्छा कॉलेज है वहां पर, प्लेसमेंट भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वेल्लोर के बारे में, तो यहाँ पर जो एग्जाम का पैटर्न है, फॉर्म तो आप भरी चुके होंगे सारे लोग जब एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जो मेनली हमें डिस्कस करना है वो सिलेबस पे आपको अटेम्प्ट करने के क्वेश्चन पे और उसका पैटर्न किस तरीके से है, ये सारी चीजें याद रखें। तो अभी आपके पास 1 दिन का टाइम है, तो ऐसा भी नहीं अभी आप नहीं पढ़ सकते हैं, अभी हम तरीका आपको बताएंगे, आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली पढ़ सकते हैं और अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं, सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं है। 1 दिन बहुत होता है आपकी पढ़ाई के लिए, ओके। तो यहाँ पर जो सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी, तो यहाँ पर जो आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो 100 मार्क्स के ही होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के होंगे। दूसरी बात, 80 क्वेश्चन जो होंगे वो टेक्निकल सब्जेक्ट के होंगे और जो 20 क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश के होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 80 और 20 क्वेश्चन हुए, इसके साथ में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यहाँ पर वीआईटी में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी जैसा कि अभी पता है, लेकिन आप अगर पेपर देने जाएं तो वहां पर आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें, मतलब जो पेपर का फर्स्ट पेज होता है, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका जैसा भी हो, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन टेस्ट होता है तो जो इंस्ट्रक्शंस हो वो सारे इंस्ट्रक्शंस आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर निगेटिव मार्किंग है तो उस हिसाब से करें, लेकिन जहां तक हमें पता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, ओके। तो ये तो आपका हुआ प्रोसीजर। इसके बाद में बात करते हैं सिलेबस की, कि आपका क्या सिलेबस है और क्या क्या पेपर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बात करें, तो जो सबसे पहला सिलेबस है वो टॉपिक है अलजेब्रा का, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक क्या है, अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या क्या पूछा जा सकता है, आप इस बात को समझे। अलजेब्रा में आपसे सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लॉगरिथमिक, सर्ट्स, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इसको अभी हम बता रहे हैं आप कहां से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। दूसरी चीज यहाँ पर आपकी है कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस में आपसे क्या पूछा जाएगा, कैलकुलस में आपसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, कंटिन्यूटी, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सारी चीजें आपसे पूछी जानी है, ठीक है। क्वेश्चन जो आएंगे वो सिंपल से आते हैं, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके बाद में आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, होमोजीनियस है, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी जाएंगी, ओके। अगली बात अगर हम करें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए वीआईटी का। कम से कम 3 से 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन अगर आप आसानी से कर सकते हैं तो अच्छा स्कोर भी आप कर लेंगे, वहां भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। आगे आते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे, तो ये तो 1 दिन में पढ़ना पॉसिबल है नहीं और आप इसको 1 दिन में रिवाइज भी नहीं कर सकते हैं, तो इसको आप छोड़ सकते हैं अभी के लिए, ओके, क्योंकि 1 दिन में ये नहीं पढ़ा जा सकता है। आगे आते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशंस पे, ठीक है। तो कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशंस में क्या है कि आपको जो चीजें पढ़नी है वो मैक्सिमा मिनिमा है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो ये सारी पढ़नी है, तो ये भी आप 1 दिन में इतना कवर नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको भी अभी कवर ना करें। आगे आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस पे, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है आपका टॉपिक बीएससी का है या बीसीए का है, आप पढ़ चुके होंगे अगर आप बीसीए के स्टूडेंट रहे होंगे, तो इसमें आपको पढ़ना क्या है बेसिकली हम आपको बता दें, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, केवल आपको मेथड्स के नेम पढ़ने हैं, जैसे आपका रेगुलर फॉल्सी मेथड जो होता है वो किस लिए होता है, रंगे कुत्ता मेथड किस लिए होता है, कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, न्यूटन रैप्सन किस लिए होता है, न्यूटन रैप्सन की डिग्री कितनी होती है, ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर मेथड पढ़ने हैं आपको, कि लैग्रांजे क्या होता है, किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, तो मेथड्स पढ़ने हैं उनका, किस लिए यूज होता है, किस मेथड का किस लिए यूज होता है, इंटीग्रेशन के लिए होता है कि डिफरेंशिएशन के लिए होता है कि वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है, किस चीजों के, तो आपको सिर्फ इतना सा इसमें रिवाइज करना।
इसके बाद आते हैं हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क पे, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में आपको क्या पढ़ना है, अब ये सारे टॉपिक जो है वो कंप्यूटर के आपसे रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर नेटवर्क में क्या पढ़ना है ये भी याद। कंप्यूटर नेटवर्क में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, केवल और केवल आपको पैकेट्स फिल्टरिंग, ठीक है, जो आप बीसीए कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही सरल चीजें हैं, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। फिल्टरिंग आपको पढ़नी है, आईपी एड्रेस पढ़ना है, आईपी एड्रेस में कितनी बिट किस लिए रिप्रेजेंट होती है, ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। आपकी शुरू की 4 बिट 5 बिट, फिर उसके बाद जितनी बिट है किस लिए होती है, कहां से कहां तक रेंज होती है, आईपी एड्रेस की आपको क्लास बताऊंगी, क्लास ए की रेंज कहां से कहां तक, क्लास बी की रेंज कहां से कहां तक, क्लास सी की रेंज कहां से कहां तक, क्लास डी की रेंज, ये सारी आप वहां पर जरूर चीजें पढ़ लें, ठीक है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं हम लोग सी लैंग्वेज पे। तो सी लैंग्वेज भी बीसीए वाले स्टूडेंट पढ़ के आए होंगे, तो सी लैंग्वेज में आपको बेसिकली क्या पढ़ना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, एरे क्या होता है, लूप क्या होता है, मतलब डेफिनेशन टाइप की, ठीक है, ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं पूछी जाएगी वहां पर, ठीक है, कि एरे क्या होता है, लूप क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है, 2-4 आउटपुट निकालने वाले क्वेश्चन आप सीख लीजिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहां पर देखने हैं, ठीक है, कौन सा कीवर्ड है, कौन सा कीवर्ड नहीं है, ठीक है, कौन सा रिजर्व वर्ड है, कौन सा रिजर्व वर्ड नहीं है, एरे को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, 2D एरे को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, पॉइंटर को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, रिकर्सिव फंक्शन के आउटपुट्स कैसे होते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन इसमें तैयार करने हैं, ठीक है। इसके बाद में आते हैं डीबीएमएस पे। तो डीबीएमएस में आपको क्या पढ़ना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें भी ज्यादा कुछ खास नहीं पढ़ना है, आपको ओवरव्यू एक लेना है, और वो ओवरव्यू आप कहां से ले सकते हैं, क्या क्या पढ़ना है आपको पहले ये समझ लेते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है कि रिडंडेंसी क्या होती है, रिडंडेंसी को दूर करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं, नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट एनएफ सेकेंड एनएफ, ठीक है, वो हम लोग लगाते हैं, बीसी एनएफ लगाते हैं, तो कब लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फिर प्राइमरी की क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टपल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है, फॉरेन की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, ये सारी कीज भी इसमें आपको पढ़नी है। तो इतना अगर कवर कर लेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे आप अगर चाहें तो ट्रांजेक्शन्स भी पढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको हम यूट्यूब चैनल एक प्रेफर कर रहे हैं, सबसे अच्छा जो है वो नॉलेज गेट नाम से है, सर जो पढ़ाते हैं काफी अच्छा पढ़ाते हैं, और आपको उससे हेल्प भी मिलेगी, ओके। तो आप डीबीएमएस कर लें। फिर आते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको केवल और केवल क्या पढ़ना है, पेजिंग, सेगमेंटेशन, जो लोग बीसीए के उनके लिए बता रहे हैं, ठीक है, पेजिंग है, सेगमेंटेशन है, आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। फिर इसके बाद क्रिटिकल सेक्शन जो होता है वो पढ़ना है, ठीक है, डेडलॉक पढ़ना है, डेडलॉक हैंडलिंग पढ़नी है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद में आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो इसमें आपको ज्यादा बहुत कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं भी पढ़ना है, जैसे यहाँ पर आपको बुलियन अलजेब्रा, बुलियन एक्सप्रेशंस, लॉजिक गेट्स और कंप्यूटर की वर्किंग, ठीक है, हाफ एडर, फुल एडर, कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो ये सारी चीजें आपको हमारे जो पिछले हमने कंप्यूटर के लेसन अपलोड किए हैं, वीडियोज वहां से मिल जाएंगी, तो ये तो आपका वहीं से पूरा कवर हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। जो निमसेट में था वही इसमें सिलेबस है, नंबर सिस्टम, नंबर रिप्रेजेंटेशन, कौन सी चीजें हैं वो सारी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आपको कौन सी चीज कहां से पढ़नी है, किस चैनल से उठाएं, कहां से उठाएं, तो वो अच्छे से आप पढ़ पाएंगे, ओके। तो अगर आपको अलजेब्रा पढ़ना है तो अलजेब्रा के लिए आप हमारे अन अकेडमी के ट्यूटोरियल को ओपन करें, ठीक है, वहां पर हमने जो बिटसेट के 150 क्वेश्चन आपको निमसेट के लिए इम्पोर्टेंट बताए थे, बीएचयू के लिए इम्पोर्टेंट बताए थे, और आईबीयू से क्वेश्चन, ठीक है, तो आप क्या करें कि इसके लिए भी पढ़ लें, उससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आपके अगर 150 क्वेश्चन आप बिटसेट के लिए पढ़ते हैं तो आपके ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक इतने अपने आप कवर हो जाएंगे, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने वहां पर 150 क्वेश्चन में लगभग सारे कॉन्सेप्ट डिक्लेयर किए हैं। तो वो 5 घंटे का कोर्स है, अगर आप 5 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ लेते हैं तो आपके 150 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे और सारे आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, तरीके भी पता चल जाएंगे और उससे क्वेश्चन भी आ जाएंगे जैसा कि हमें एक्सपेक्टेड है, ठीक है। वहां पे हमने 150 क्वेश्चन में बहुत ही ढूंढ के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रखे हैं, जिससे कि वही क्वेश्चन पूछ लिए जाए हर एग्जाम में, ठीक है। तो आप वो क्वेश्चन कर लें। प्रोबेबिलिटी के लिए हमने वहां पर एक नया कोर्स स्टार्ट किया है अन अकेडमी पे, तो वहां पर आप प्रोबेबिलिटी के कोर्स भी देख लें, क्योंकि वहां पर हम लोग क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं और ये कल तक अपलोड होंगे, ठीक है, 31 तक हम लोग इसको अपलोड करेंगे, और वहां पर हमारा टारगेट है 50 क्वेश्चंस का, और वो 50 क्वेश्चन देख लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन याद रहता है तो आप डेफिनेटली आना और हमें बताना आके कि सर पेपर में से आपके प्रोबेबिलिटी के जो आपने क्वेश्चन करवाए उससे कितने क्वेश्चन आए या फिर नहीं आए या पूछे गए, जो भी चीजें हो तो वो आप हमें जरूर बताया कि जरूर पूछे जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने वहां पे सभी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। तो ये हो गया, ये दो चीजें आपको पढ़नी नहीं है। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस पे।
तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए आप क्या करें, कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जैसे आप गूगल में सर्च करें न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओके, क्या सर्च करेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी आपको शुरू की 10 साइटें दिखे उस साइट को ओपन कर लें और वो सारे क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक घंटे का काम है आपका हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क आपको कहां से पढ़नी है, कंप्यूटर नेटवर्क आप यूट्यूब चैनल पे सर्च करें और वहां पे आप डाल दें कि गेट के लिए कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, और उसमें से कोई भी आप उठा लें, ठीक है, कोई भी उठा लें तो वो आपको पढ़ा देंगे, तो वहां पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये कब पढ़ें, लास्ट में जब आपके पास टाइम बच जाए। सी के लिए आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, आप सी इन डेप्थ बुक उठा लें और उसको 2-3 घंटे पढ़ लें, काम हो जाएगा आपका, ज्यादा नहीं करना है। डीबीएमएस के लिए हमने आपको बताया नॉलेज गेट है, वो चैनल आप ओपन कर लें, वहां से पढ़ लें। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप जो है कोई भी बुक उठा लें, लेकिन इससे सबसे अच्छा जो बेस्ट तरीका है सभी टॉपिक्स के लिए वो आपके पास तरीका है कि आप गूगल में सर्च करें ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क, पढ़ डालें 100 से 150 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सी 100 से 150 पढ़ लें, डीबीएमएस के 100 से 150 पढ़ लें, मतलब कुल मिला के इनसे आप अगर 600 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको वहां पर 30 से 20 के बीच में उसी पे बेस क्वेश्चन मिल जाएंगे, ओके। तो ये तो हमारा रहा पूरा ओवरव्यू। अब आपको बता दें कि आप अगर 100 में से वहां पर इंग्लिश का तो अपने आप पढ़ लेंगे क्योंकि वहां पे ज्यादा कुछ नहीं है, इंग्लिश अपने नॉर्मली कर लेते हैं, आपने निमसेट में भी देखी होगी, ठीक है। अब वहां पर आपको क्वेश्चन कितने करने हैं, लगभग आप 100 में से अगर 70+ कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेन कैंपस मिल जाएगा। लेकिन आप सही से करें और अच्छे से करें, आराम से करें, इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन वहां पे नहीं होता है, टफ नहीं होता है। एक कंपटीशन इसलिए भी टफ नहीं होता है क्योंकि जिन बच्चों का हो भी जाता है तो मोस्टली बच्चे नहीं लेते हैं क्योंकि वो एनआईटीज ले लेते हैं या फिर डीयू ले लेते हैं, कोई गवर्नमेंट कॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर वहां पर जब नहीं होता है तो प्राइवेट कॉलेज वही सबसे अच्छा है तो वो लेते हैं, ओके। तो इतनी सारी चीजें हमने बताई, तब तक के लिए धन्यवाद और आप हमारे साथ जुड़े रहे। हमने आपको ये बताया, ये जरूर कवर कर लें क्योंकि इससे आपके 50 से 60 नंबर आने वाले हैं केवल 3 टॉपिक से, ठीक है। तो 3 टॉपिक से 50 से 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब आप क्या करें कि अन अकेडमी पे हमने बताया, आप अन अकेडमी को खोलें और वहां पर सर्च कर लें Shivam 2K10, ओके। क्या सर्च करना है आपको, Shivam 2K10, और यहां पर आपको BITSAT के लिए मिलेगा, ठीक है। जो लोग BITSAT का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये BITSAT का आपको मिलेगा वहां पर कोर्स, और वो आप पूरा देख डालें, 150 कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी का आप देख लें तो प्रोबेबिलिटी भी रिवाइज हो जाएगी। और अगर ज्यादा डीप में और देखना चाहते हैं, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे, जिनको टाइम कम लगेगा ये सब करने में, तो वो लोग क्या करें, जो हमारे वहां पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, जेई मेंस के, और वहां पर जितने भी हैं सीक्वेंस सीरीज के, तो वो सारे भी आप रिवाइज कर लें। लेकिन अगर टाइम नहीं मिलता है तो उनको बाद में कर लीजिएगा, ये 2 चीजें जरूर कर लें आप, प्रोबेबिलिटी और BITSAT के 150 क्वेश्चन, ओके। लास्ट बात हमें आपसे ये कहनी है कि जब आप एग्जाम देकर के आए तो आप हमें अपना रिव्यू जरूर दें कि जो हमने बताया था वो कितना पूछा गया, कितना नहीं पूछा गया, क्योंकि हमें अच्छा लगता है जब आप बताते हैं कि वही क्वेश्चन आए जो सर आपने कराए थे या जो बताए थे, ओके। तो आप जब आए तो हमें आप रिव्यू दें और बताएं किस तरीके से जो चीजें हमने बताई थी वो पूछी गई या नहीं पूछी गई, ठीक है। क्योंकि ये चीजें जरूरी नहीं है, ठीक है, कि सब लोग आपको बता पाए, ओके, लेकिन हम बताते हैं आपको तो कुछ ना कुछ सोच के बताते हैं। आपका रिव्यू बहुत सारे हमारे पास फोन है सर, आप डाल नहीं रहे हैं, VIT के लिए कुछ डालिए तो हमने डाल दिया, ओके, थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, बेस्ट आप लग, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छा पेपर आप अटेम्प्ट करें, ओके।